हमें से बहुत से लोग पासवर्ड की बजाय अपने मोबाइल के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर का यूज़ करते हैं अगर उनके फ़ोन में होता है, जिसकी वजह से उन्हीं के थंब से या फिर उंगली जो भी लगा रखी है उन्होंने उसमें, उसी से वो खुलता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर मानते हैं। लेकिन आपको मालूम है इस तरीके के भी हैकर होते हैं जो कि पूरे फिंगरप्रिंट को रिक्रिएट कर सकते हैं। दरअसल जैन क्रिसलर एक हैकर है जिन्होंने जर्मन के डिफेंस मिनिस्टर की सिर्फ फोटोग्राफ देखकर उनका पूरा फिंगरप्रिंट ही रिक्रिएट कर दिया था। दरअसल वो जो फोटो थी वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की फोटो थी जिसमें उनका फिंगरप्रिंट दिख रहा था, जिसकी वजह से उसने वो पूरा का पूरा रिक्रिएट कर दिया था। और यही वो हैकर था जिसने आईफोन 5S के लॉन्च होने के सिर्फ 24 घंटे बाद ही एप्पल थंबप्रिंट वेरिफिकेशन को हैक कर डाला था। खैर ये तो काफी हाई प्रोफाइल बातें हो गई, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने अपने माँ बाप के सोते वक्त में उनके फिंगरप्रिंट लगा के फोन अनलॉक करके यूज करना शुरू कर दिया था अपनी गेम वगैरह खेलने के लिए। एक 75 साल की महिला थी जिनके पास में एक पेपर वेट मौजूद था और उस पेपर वेट के अंदर चांद का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा भी लगा हुआ था। और जिस वक्त में ये बेच रही थी ये शायद 90s का वक्त हुआ करता था, और उनके पति नासा के इंजीनियर हुआ करते थे जिनकी मृत्यु 1986 में हो गई थी। अब उनके पास में ये अपोलो 11 का जो आर्टिफैक्ट था उसके अंदर ही ये चांद का छोटा सा टुकड़ा लगाया हुआ था और यहाँ पर इसको पेपर वेट बना रखा था। लेकिन उस वक्त में दरअसल लॉ कुछ ये था कि लूनर मटेरियल जितना भी होगा धरती पर उसका अधिकार सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को होगा और वो उसी की प्रॉपर्टी होगी, और इसका पोजेशन अगर किसी के पास में होता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है और उसको उसके बाद अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो वही सारी चीजें इनके साथ हुई थी जहां पर इनको डिटेन कर लिया गया था। हम में से ज़्यादातर लोगों को एक बात मालूम है कि जो भी करेंसी पहले के ज़माने में बनती थी वो सोने की हुआ करती थी, चांदी की हुआ करती थी। लेकिन आपको मालूम है माइक्रोनेशियन नाम का एक आइलैंड हुआ करता था जहाँ पर 6000 साल पहले पत्थरों की करेंसी बनाई जाती थी। दरअसल यहाँ पर पत्थर को डोनट शेप का बना दिया जाता था और उसके बाद में डिसाइड कर दिया जाता था उसके साइज़ के हिसाब से कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। और यहाँ पर 13 फीट डायमीटर का भी एक ऐसा पत्थर है जो कि डोनट शेप का हुआ करता था, और माना जाता है कि ये भी एक करेंसी हुआ करती थी उस ज़माने की। और माना जाता है कि आज के वक्त में वैसे तो यहाँ पर US डॉलर चलते हैं, लेकिन कई जगहों पर आज भी पत्थरों की करेंसी चल जाया करती है। एक ऑस्ट्रेलिया का मास मर्डरर था जिसका नाम था मार्टिन ब्रायंट, जिसने मास शूटिंग के दौरान 35 लोगों की जान ले ली, 23 लोगों को घायल कर दिया था एक पोर्ट पे, जहाँ पर एक ऐसे बंदे को इसने छोड़ दिया था जिसके बारे में पूछा गया कि उस पर तुमने गन तान रखी थी, इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों को घायल कर दिया, उसको क्यों नहीं मारा। तो इसने बताया कि 3 साल पहले उसने इसकी जान बचाई थी, इसी वजह से इसने उसको छोड़ दिया था। वैसे तो इस वक्त में कोरोना वायरस की वजह से सिचुएशन इतनी ज़्यादा कुछ सही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब है कई देशों के, लेकिन जब कोरोना वायरस इतना ज़्यादा दुनिया पर छाया हुआ नहीं था तो उससे पहले कैम्ब्रिज के जेरोंटोलॉजिस्ट का मानना ये था कि मेडिकल टेक्नोलॉजी अगर इसी पेस में बढ़ती रही आगे तो हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी कि दुनिया में अब तक जो भी सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाले व्यक्ति रहे हैं उनसे भी दुगनी उम्र के व्यक्ति हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से। आपको मालूम है नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी लाइफ के अंदर, जो कि कहा जाता है कि भैया 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए पूरे एक दिन के अंदर, जहाँ पर बहुत से लोग इसको कंप्लीट भी करते हैं और जितनी उनको नींद की ज़रूरत होती है उतनी लेते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। लेकिन वो लोग जो कि अपनी नींद पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते वो सैड भी रहते हैं, उनके अंदर एंगर भी ज़्यादा होता है, जेलसी भी ज़्यादा होती है, वो दूसरों को हेट भी ज़्यादा करते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पर वो नेगेटिव सोचने लग जाते हैं जिसको नेगेटिव इमोशंस कहा जाता है। इस वजह से अपनी नींद पूरी तरीके से कंप्लीट करनी चाहिए ताकि इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस को रोका जा सके अपनी लाइफ में। आपको यह बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि इटली के रोम के अंदर एक ऐसा रोड भी मौजूद है जो कि 312 बीसी में बनाया गया था, और वो तब जैसा बनाया गया था आज भी वैसा ही मौजूद है और लोग उसे आज भी यूज करते हैं। मतलब कि हम देखो कि जो रोड बनाते हैं वो 1 साल बाद टूट जाता है, लेकिन इनके रोड आज तक वैसे के वैसे ही टिके हुए। आप में से बहुत से लोग इस वक्त में ये वीडियो मोबाइल पर देख रहे होंगे, सोफे पर बैठ के देख रहे होंगे या फिर लेट कर देख रहे होंगे, मतलब बड़े आराम की पोजीशन में आप मोबाइल के साथ में हर चीज़ कर सकते हो, चाहे गेम खेल सकते हो, चाहे वीडियो देख सकते हो, मूवी देख सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के साथ में नहीं कर सकते। टेबल जहाँ पे है वहीं पर हमको बैठना होता है। लेकिन आपको मालूम है एक ऐसा वर्क स्टेशन भी होता है जिसको द एल्ट वर्क स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपको काफ़ी आरामदायक पोजीशन दे सकती है अगर आप काफ़ी देर तक काम करते रहते हो कंप्यूटर पे। आपकी ऑफिस चेयर तो थोड़ी बहुत लीन हो जाती होगी लेकिन टेबल वैसे नहीं हो सकती, तो काम करने के लिए आपको एक सर्टेन पोजीशन पे आना ही पड़ता है, लेकिन इसके साथ में आप
पूरे टेबल कुर्सी सबको चेंज कर सकते हो और अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे काम कर सकते हो या फिर गेम खेल सकते हो। एप्पल का अगर कलर पूछा जाए तो ज़्यादातर लोग लाल ही बोलेंगे क्योंकि लाल ही होता है, लेकिन वो अंदर से लाल नहीं होता। लेकिन एक ऐसा एप्पल भी होता है जिसको रेड लव एरा एप्पल भी कहा जाता है, जो कि पूरा का पूरा लाल होता है, यहाँ तक कि उसका कोर भी लाल होता है। आपको मालूम है कई एस्ट्रोनॉट्स का मानना यह है कि जिस वक्त में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे उस वक्त में मून पर वॉल्केनो भी हुआ करते थे। तो फिलहाल के लिए इस अमेजिंग रैंडम फैक्ट की वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ ऐसा र्यूमर है कि एपिक स्टोर पर आज के वक्त में आपको फ्री में GTA 5 मिल सकती है। तो एक रूमर है, तो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि क्या ये रूमर सही है या गलत है। वैसे तो बहुत सी वेबसाइट ने बता दिया है कि आज शायद वो GTA 5 देंगे फ्री में, तो आप वो क्लेम कर सकते हो और आप ले सकते हो। बस रजिस्टर करना पड़ेगा आपको एपिक स्टोर पे जाके। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर इसी टाइप की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।